माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस, टॉपिक जो है पब्लिक फैसिलिटीज। सब टॉपिक है हमारा द गवर्नमेंट्स रोल। गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इम्पॉर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दिस टू द पीपल। दिस समवन इज द गवर्नमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर that these public facilities are made available to everyone. Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility. Given that public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the people. यानी लोगों को सहूलियत देना इतना ज़रूरी क्यों है कि कोई एक जो है वो लोगों को सहूलियत देने की जिम्मेदारी उठाता है। दिस समवन इज़ द गवर्नमेंट, कोई इसमें एक क्या होता है, दिस समवन इज़ द गवर्नमेंट, इनमें से एक क्या है, गवर्नमेंट भी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। यानी लोगों को जो सहूलियत दी जाती है वो इतनी ज़रूरी क्यों होती है, उनमें से एक जिम्मेदारी जो होती है वो गवर्नमेंट की भी होती है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, उन सबसे अहम काम ये होता है गवर्नमेंट के, वो यकीन दिलाते हैं कि लोगों को सहूलियत दी जाएगी हर एक को, कि लोगों को हर एक को क्या दी जाएगी, सहूलियत दी जाएगी। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट मस्ट बेयर दिस रिस्पांसिबिलिटी। चलो मालूम करते हैं और समझते हैं कि गवर्नमेंट क्यों ये जो जिम्मेदारी है इसको क्या करती है, बर्दाश्त करती है, ये जिम्मेदारी क्यों उठाती है। वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। हमने ये देखा है कि प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो काम किस लिए करती हैं, बाज़ार में फ़ायदा उठाने के लिए। हमने देखा है प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं ये फ़ायदा उठाने के लिए बाज़ार में काम करती हैं। यू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द स्टोरी ऑफ ए शर्ट इन योर क्लास 7th बुक। आपने ये इसके मतलब चैप्टर में पढ़ा होगा जो कहानी है स्टोरी ऑफ शॉर्ट, एक शॉर्ट की जो कहानी है क्लास 7th की वो किताब में आपने पढ़ा है। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़, बहुत सारी जो लोगों को सहूलियात होती हैं, देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड, के किसी में जो क्या होता है फ़ायदा भी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हाट प्रॉफिट कैन एक्यूर टू ए कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कंपेन। मिसाल के तौर पर यह है, क्या फ़ायदा होगा, हासिल होगा उस कंपनी को जो एक ड्रेन्स साफ करने का काम करती है या रनिंग एन एंटी मलेरिया कंपेन जो चलाते हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा इसमें। ए प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। एक प्राइवेट जो कंपनी होती है वो गालबन इस चीज़ काम करने में वो दिलचस्पी नहीं रखती है। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनीज में वेल बी इंटरेस्टेड। लेकिन कुछ जो दूसरी सहूलियात होती हैं जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल, ये प्राइवेट जो कंपनी होती हैं इसमें बहुत ही वो अच्छी तरह से दिलचस्पी रखते हैं। वी हैव मैनी ऑफ दिस पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज। सिमिलरली, इफ़ यू आर लिविंग इन ए सिटी, यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बॉटल। हम में से बहुत सारे जो हैं, वी हैव मैनी ऑफ दिस, इनमें से बहुत सारी खास करके जो बड़े शहरों में होते हैं, इसी तरह से अगर आप एक शहर में रहते हैं तो आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो टैंकरों के ज़रिए पानी सप्लाई करती हैं और पीने का पानी किस जो होता है सील्ड बोतल्स वाला वो भी मुहैया करती हैं। कौन? प्राइवेट कंपनियां। इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ बट एट ए प्राइस डेट ऑनली सम पीपल कैन अफोर्ड। इस तरह के जो केस होते हैं प्राइवेट कंपनियां जो मुहैया करती हैं लोगों की सहूलियत के लिए किसी कीमत पर, वो सिर्फ कुछ ही लोग क्या कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश निकाल सकते हैं, यानी कुछ हासिल कर सकते हैं। हेंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट। लेकिन ये जो सहूलियत है तमाम इस काबिल नहीं है कि वो इस रेट को बर्दाश्त कर सकें। इफ़ वी गो बाई द रूल डैट पीपल विल गेट एज मच एज दे कैन पे फॉर then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of opportunity to live a decent life. अगर हम कानून को देखें कि लोग जो
अदा करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वे इन फैसिलिटीज़ को क्या करें, वो अदा कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उनके जो हकूक़ होते हैं, उनकी जो एक बाहया ज़िंदगी होती है, उसका जो मौका होता है, वो उनसे छीना जाता है। क्लियरली दिस इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल ऑप्शन। यकीनन ये जो है ये काबिल इल्तजा और अख्तियार नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज़ ले टू पीपल बेसिक नीड्स। पब्लिक लोगों की जो सहूलियात होती है ये किससे रिलेट करती है? पीपल्स लोगों की बुनियादी ज़रूरत से। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स डैट दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो डैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मेट। कोई भी जो मॉडर्न सोसाइटी को ज़रूरत होती है इन सहूलियात की, वो मुहैया करते हैं उन लोगों को जिनको बेसिक नीड्स मिलती हैं। द राइट ऑफ द लाइफ डैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रंटीज इज़ फॉर ऑल पर्सन लिविंग दिस कंट्री। राइट टू लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, जिम्मेदारी का, वो तमाम लोगों के लिए है जो भी मुल्क के अंदर रहते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी देयर फॉर मस्ट बी डैट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो लोगों को सहूलियात मुहैया करना है ये गवर्नमेंट